हाँ तो अब अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या है क्वेश्चन? रुपीज 1,652 इज डिवाइडेड अमॉन्ग 8 मैन 10 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन। तो इतने रुपए थे वो डिवाइड हो गए किसमें? 8 मैन में, 10 वुमेन में और 10 ही चिल्ड्रन, 10 ही क्या थे? चिल्ड्रन थे। ईच मैन, जो भी देखो क्वेश्चन में डाटा दिया रहता है पहले उसको केयरफुली रीड करना है और उससे जो भी काम की बातें लग रही हैं वो हमें नोट डाउन करते हुए जाना है। ईच मैन गेट्स 25% मोर देन ईच वूमेन। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? देखो मैंने बताया था कि परसेंटेज में टॉपिक पढ़ाऊंगा ही, लेकिन इतना बेसिक तो सबको आता ही होगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैंने अभी पिछली वीडियो में भी बताया था कैसे करते हैं। अगर 25% है तो इसको कैसे करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 25/100/100 कर देते हैं। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देते हैं? जैसे मान लो कोई फ्रैक्शन दिए 1/4, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इंटू 100%। तो ये 25% ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का सिंबल लगाते हैं। वहीं अगर परसेंटेज दियो तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 25/100 करेंगे। तो ये किसके इक्वल आएगा? 1/4 के इक्वल आएगा। अब क्या था इसमें? ईच मैन गेट्स, अब इसको 25 की जगह क्या रख दो एक मिनट के लिए? 1/4 रख दो। ईच मैन गेट्स 1/4 मोर देन ईच वूमेन। तो अब एक बात बताओ, ईच मैन गेट्स 1/4 मोर देन ईच वूमेन। अभी मैंने क्या बताया था कि 1/4 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा? वूमेन को। वूमेन के वूमेन को क्या मिल रहा है? जो रुपये मिल रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा। और मैन को क्या मिल रहा है? ईच मैन गेट्स। तो अगर वूमेन को 4 मिल रहे हैं तब ये क्या बोल रहा है? तब ये क्या कहना चाह रहा है कि मैन को तब कितना ज़्यादा मिल रहा है? 1 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है। अगर वूमेन को 4 यूनिट पैसे मिल रहे हैं तो मैन को कितने यूनिट ज़्यादा मिल रहे हैं? 1 यूनिट ज़्यादा मिल रहे हैं। तो अगर मैन को 1 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है तो मैन को वूमेन को अगर 4 मिल रहा है तो 1 यूनिट ज़्यादा, 4 का कितना होगा? 5 होगा। तो मैन इज टू वूमेन को जो पैसा मिल रहा है वो कितना होगा? 5/4। अभी यहाँ तक ये बात हुई। फिर ऐसे ही बोला है ईच वूमेन गेट्स 25% मोर देन ईच चाइल्ड। तो 25% की जगह क्या होगा? 1/4। 1/4 में, 1/4 में बेस वैल्यू क्या है? 4। तो 4 है जिससे, तो जिससे बोला है देन, देन लगा है किसके? ईच चाइल्ड पे। चाइल्ड पे देन लगा है तो देन के रेफरेंस में कंपेरिजन होना है, और वो देन के रेफरेंस में अगर कंपेरिजन होना है तो चाइल्ड क्या हो गया? बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू कहाँ पे होती है? बेस में। तो यानी कि 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा? चाइल्ड को। जो चाइल्ड को पैसा मिलेगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा? चाइल्ड को। अगर 4 चाइल्ड को रिप्रेजेंट करेगा और वुमेन को कितना ज़्यादा मिलता है? 1 यूनिट ज़्यादा मिलता है। तो कितना मिलेगा वुमेन को भी? वुमेन अपॉन चाइल्ड कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आती होगी कैसे किया? कि जैसे परसेंटेज निकालते हैं जब भी आपके एग्जाम का जैसे रिजल्ट आता है, जैसे आपके नंबर आए 86/100, तो 100 क्या होती है? बेस वैल्यू। जो क्या क्या भी होती है ओरिजिनल वैल्यू। 100 का क्या होता है? आपका पेपर होता है। या आपका पेपर 500 का रहा हो तो कैसे लिखेंगे? जैसे 526/500 आए। तो यानी कि यहाँ पे क्या रहती है? बेस वैल्यू। बेस वैल्यू के रेफरेंस में फ्रैक्शन निकलती है बेस वैल्यू को। तो यहाँ पे भी जब फ्रैक्शन निकलेगी तो ये बेस वैल्यू होगी। वो बेस वैल्यू किसके किसको रिप्रेजेंट करेगी? यहाँ पे जिस पर देन लगा है, देन ई चाइल्ड। तो मतलब चाइल्ड के कंपेरिजन में बोल रहा है, या मैं यहाँ पे कहूँ इस वाले में चाइल्ड के कंपेरिजन में बोल रहा है, या ऊपर वाली लाइन में किसके कंपेरिजन में बोल रहा है? वुमेन के कंपेरिजन में बोल रहा है। वुमेन के कंपेरिजन में बोल रहा है। तो यानी कि चाइल्ड के कंपेरिजन में बोल रहा था अगर नीचे वाली लाइन में, तो चाइल्ड कितना हो गया? 4 हो गया। और चाइल्ड से 4 हो गया तो मतलब एक ज़्यादा, एक ज़्यादा यानी कि बन हो गया। बन बन यानी कि एक ज़्यादा। तो एक ज़्यादा यानी कि वुमेन को कितना मिलेगा? अगर चाइल्ड को 4 मिल रहा है और वुमेन को उससे एक ज़्यादा मिल रहा है तो वुमेन को कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। और ऐसे ही यहाँ पर मैन की पे था। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बेस वैल्यू को हमेशा फ्रैक्शन में नीचे लेते हैं। और बेस वैल्यू किसके, बेस वैल्यू कौन सी होगी इस लैंग्वेज में? हमेशा इसमें देन लिखा होगा, देन ईच चाइल्ड, या उसको आप इंटरप्रेटेट कर पा रहे होगे जैसे कि लिखा होगा 1/4 ऑफ, पिछले क्वेश्चन में लिखा था इनकम, 1/4 ऑफ इनकम। तो मतलब इनकम का, मतलब इनकम की बेस वैल्यू, इनकम क्या हो जाएगी? या बेस वैल्यू हो जाएगी। तो मतलब 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा? इनकम को। और सेविंग यहाँ पे दी रहती थी, सेविंग किसके इक्वल होती थी? 1/4 ऑफ इनकम। तो अगर सेविंग 1/4 ऑफ इनकम होती थी तो मतलब इनकम का 1/4, इनकम का 1/4 मतलब इनकम बेस वैल्यू है। अगर इनकम को बेस वैल्यू लिया तो बेस वैल्यू को कौन रिप्रेजेंट करेगा? बेस वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी फ्रैक्शन में।
तो बेच वाली वैल्यू कौन सी हो रही है, फोर हो रही है, तो मतलब इनकम को क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फोर, और सेविंग को क्या रिप्रेजेंट करेगी, वन। तो अगर मैंने यही बोला था कि फोर अगर सेविंग है तो इनकम के वो फोर अगर इनकम है तो सेविंग कितनी रही होगी, वन रही होगी, और अगर फोर अगर इनकम है, फोर यूनिट अगर इनकम है और थ्री वन यूनिट सेविंग है, तो फिर तीन यूनिट किसके पास होगा, तीन यूनिट एक्सपेंडिचर होगा। तो ऐसे ही पिछले सवाल को सॉल्व कर रहे थे, तो कहने की बात यहाँ पर क्या है, क्या है इसमें कि जिसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा होगा वो उसको क्या मानेंगे, जो बेस में दी होगी वो वाली वैल्यू उसको रिप्रेजेंट करेगी फ्रैक्शन में। जैसे कि यहाँ पे ईच वूमेन के रिस्पेक्ट में माना, तो ईच वूमेन के रिस्पेक्ट में मतलब बेस वैल्यू यहाँ पे फोर है फ्रैक्शन की, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वूमेन को रिप्रेजेंट करेगी। और क्या भी बोला, ईच मैन गेट्स 1/4 मोर देन ईच वूमेन। अगर फोर वैल्यू अगर वूमेन को रिप्रेजेंट करेगी, अगर फोर वैल्यू अगर वुमेन को रिप्रेजेंट करेगी तो क्या भी होगा, अगर फोर वैल्यू वुमेन को रिप्रेजेंट करेगी तो मैन को कितना ज़्यादा मिलेगा, वन ज़्यादा मिलेगा, तो वन ज़्यादा मिलेगा तो यानी मैन को कितना मिलेगा, फाइव मिलेगा। अगर आप या आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप ऐसे तो समझ सकते हो कि ईच मैन गेट्स 1/4, ईच मैन गेट्स यहाँ पे 1/4 लगा दिया, 1/4 देन ईच वुमेन, तो मतलब एक वुमेन को मैंने मान लिया डब्ल्यू मिल रहा होगा, तो अगर इसको 1/4 ज़्यादा मिलेगा तो इसको W मिल रहा था, तो W का 1/4 W/4 ज़्यादा मिलेगा, तो W मैन को कितना मिलेगा प्लस W तो मिलेगा ही मिलेगा और W/4 और ज़्यादा मिलेगा, तो मैन को कितना मिलेगा, मैन इज इक्वल टू 5, यहाँ पे LCM लेंगे 5W/4 मिलेगा। और अगर ये W मैं नीचे ले आऊँ तो M/W क्या आ जाएगा, 5/4। या तो आप ऐसे कर लो, ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे करोगे तो आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा, लेकिन आपको पता है ये लैंग्वेज के क्वेश्चन है, तो मैं यहीं से डायरेक्ट बता सकता हूँ कि किस चीज़ के बीच में कंपेरिजन चल रहा है, क्योंकि बेस वैल्यू को हमेशा रिप्रेजेंट करेगा बेस वाली, जिसके चीज़ जिसके रिस्पेक्ट में वैल्यू दी है, यानी इसके रिस्पेक्ट में कंपेरिजन दिया है, यहाँ पे ईच वूमेन के रिस्पेक्ट में दिया, तो वूमेन के रिस्पेक्ट में दिया तो वूमेन कहाँ पर रही होगी, अपॉन में रही होगी, तो मैंने ये बोल दिया फोर यहाँ पे वूमेन की रही थी और मैन की कितनी रही थी, फाइव पर रही थी। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैन को कितना मिलेगा, डब्ल्यू अगर एक वूमेन को मिल रहा था तो मैन को उसका 25% ज़्यादा, यानी कि W/4 और ज़्यादा मिलेगा, तो W तो मिलेगा ही मिलेगा प्लस W/4 और ज़्यादा मिलेगा, तो W+W/4 कितना हो जाएगा, 5W/4। अब यहाँ से M/W अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, 5/4। ऐसे भी आप कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा बेसिक ही बता देता हूँ परसेंटेज का, क्योंकि अब आगे वाले सवाल में लगेगा, जो कि क्लियर होना चाहिए अगर किसी को नहीं आता हो तो मतलब मैं बेसिक बता रहा हूँ यहाँ पे, अभी मैं इस सभी को मिटा रहा हूँ और मैं पहले परसेंटेज का थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ कि ऐसे चीज़ों के बीच में कंपेरिजन होता है, बहुत थोड़ा सा बताऊँगा, अभी यहाँ पे जितनी नीड है वैसे तो मैं परसेंटेज में पढ़ाऊँगा इसको, लेकिन अभी तक की जो नीड है वो फिलफिल हो जाए बस उतना ही मैं बताऊँगा अभी के लिए, अभी के लिए मैं बस उतना ही बताऊँगा बेसिक। जैसे मान लो मैं अगर आपसे पूछूँ कि आपका एग्जाम था 100 नंबर का, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम था और आपके मार्क्स आए 50, आपके मार्क्स आए 50, ध्यान से सुनना, अगर आपके मार्क्स 50 आए तो मैं पूछूं कि टोटल मार्क्स का कितने फ्रैक्शन आपके मार्क्स आए, तो आप कैसे बता देते, आपने या कॉपी में या जब भी आपको टीचर मार्क्स देता तो आपने लिखा भी होगा, लिखा देखा भी होगा, तो कैसे लिखता था टीचर, 5/50/100 लिखता था टीचर, ऐसे ही तो लिखता था, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, वो हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में मैं पूछता था, किसके रिस्पेक्ट में, किसका फ्रैक्शन पूछा था उसमें, मैं किसका फ्रैक्शन पूछ रहा था कि टोटल का फ्रैक्शन, टोटल मतलब पूर्णांक अगर 100 का था, टोटल अगर मैक्सिमम मार्क्स 100 के थे तो उसका फ्रैक्शन कितने फ्रैक्शन मार्क्स आए या कितने परसेंटेज में मार्क्स आए, मतलब परसेंटेज बताने के लिए पहले मुझे फ्रैक्शन चाहिए होगी, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या लेता हूँ, ये क्या होती है, बेस वैल्यू, क्या होती है, बेस वैल्यू, मतलब बेस वैल्यू को मैं कहाँ पर लेता हूँ, फ्रैक्शन बनाने के लिए अपॉन में लेता हूँ, और इसके अलावा अगर बेस वैल्यू को अपॉन में लेता हूँ या इसको या ऐसे भी बोलूँ ओरिजिनल वैल्यू, किसी किसी केस में ओरिजिनल वैल्यू भी होगी, किसी किसी केस में ओरिजिनल वैल्यू भी होगी, तो मतलब मैंने क्या सीखा, मैंने ये सीखा मैं जिस चीज़ के रिस्पेक्ट में कंपेरिजन कर रहा हूँ उसको मैं कहाँ पर लूँगा, नीचे लूँगा, और जिसका कंपेरिजन कर रहा हूँ उसको मैं ऊपर लूँगा, जैसे आपके मार्क्स कितने आए थे 50, तो 50 को मैंने कहाँ लिया, 50 का कंपेरिजन कर रहा हूँ किससे, 100 से, वो एक परसेंटेज और रेशियो कुछ भी नहीं, कंपेरिजन नहीं है, ये तो मैं बता ही चुका था रेशियो के बारे में, परसेंटेज के बारे में और पढ़ेंगे, अभी तो बस इतना जानना है बेसिक, तो मतलब 100 को मैंने फ्रैक्शन बनाने के लिए कहाँ लिया था, नीचे, अब अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1/2, अब ये बन गई फ्रैक्शन, अब ये फ्रैक्शन बन गई, और फिर अब क्या करते थे, अगर आपकी परसेंटेज निकालते थे तो आपको याद हो
फिर क्या करते थे, इनटू 100% करते थे। मतलब अब ये फ्रैक्शन बन गई, अगर अब ये फ्रैक्शन बन गई तो फ्रैक्शन को, अब ये फ्रैक्शन नहीं, अब तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, 100 से इनटू और परसेंटेज का साइन, तो ये कितना आ गया, 50% आ गया, 50% आ गया। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था, क्यों, क्योंकि परसेंट, अभी तो वो बात छोड़ो, अभी बात, अभी आप इतनी बात सीखो बस, वो मैं परसेंटेज में बताऊंगा, परसेंटेज में किस लिए पढ़ाऊंगा, इसीलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि परसेंटेज की, परसेंटेज में सब सब कुछ उसका बेसिक बताऊंगा, अभी तो जो यहाँ से रिलेट कर रहा है बस उतना उतना बता रहा हूँ। तो मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में पहले कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन को पहले परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे वो पहले जो मार्क्स आए थे उनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ से आपसे बोलूँ कि यहाँ पे अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो मैं क्या करता था, आपको याद हो, इसको अपॉन 100 कर देता था, इसको क्या कर देता, अपॉन 100। तो मतलब एक चीज़ यहाँ पर सीखने को मिली, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक चीज़ यहाँ पर सीखने को मिली, क्या सीखने को मिला, ये नोट कर लेना, ये रेफरेंस लेने के लिए और अपने वर्ड्स में लिख लेना इसको। एक चीज़ यहाँ पर सीखने को मिली, क्या चीज़ सीखने को मिली, कि अगर मैं आपसे बोलूँ, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई नंबर है, जैसे अगर मैं पहले आपसे बोलूँ फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन क्या हुआ, पहला पॉइंट तो इसी के, जैसे कोई फ्रैक्शन दी है 1/4, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 1/4 इंटू 100% इज इक्वल टू 25%। इतनी बात सबको समझ में आती है, कोई फ्रैक्शन दिया 1/5, उसको अगर फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 1/5 इंटू 100% कितना हो जाएगा, ये 20% के इक्वल, ये कितना हो जाएगा, 20% के इक्वल। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना आपको आ गया। अब अगर मैं वही बात करूँ फ्रैक्शन टू, अब मैं बात करूँगा परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, अभी तक के लिए बातें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं बात करूँगा, ये बी करके लिख लेंगे और उसको ए लिख लेना, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, अब क्या परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, अब अगर परसेंटेज दिया 50%, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था, इस परसेंटेज को क्या लिखेंगे, 50/100, तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई सबको। अब जैसे 25% को कन्वर्ट करना है, तो 25/100 ये क्या आ गया, 1/4। अब इतनी बात समझ में आई। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ इस पे ही, जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा और अभी तक के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाद बाकी का तो परसेंटेज में ही पढ़ेंगे। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि मान लो 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। अब ये क्वेश्चन है कि 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, तो मैं इसको कैसे बताऊंगा, मैं इसको कैसे बताऊंगा, मैंने अभी बोला था कि मुझे परसेंट चाहिए, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने से पहले मुझे उसका फ्रैक्शन में पता होना चाहिए, तो मैंने फ्रैक्शन का भी बताया था, फ्रैक्शन में नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो किसको डिनोट करती है, ओरिजिनल को या बेस वैल्यू को या कंपेरेटिव वैल्यू को, किसको डिनोट करती है, या जिसके रिस्पेक्ट में कंपेरिजन हो रहा है। अब पूछा गया 25 पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में, इज व्हाट परसेंट ऑफ, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, 50 के रिस्पेक्ट में पूछा है। 25 पूछा है कितने परसेंट होगा, किसके रिस्पेक्ट में, 50 के रिस्पेक्ट में पूछा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, 50 के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो मतलब 50 क्या है, बेस वैल्यू, तो अपॉन 50 और 25, मैं क्या करूँगा, 25/50। इतनी बात सबको समझ में आई। फिर अभी ये क्या बन गई, ये फ्रैक्शन बन गई, अगर ये फ्रैक्शन बन गई तो इसको इंटू 100% कर दूंगा, तो ये क्या भी हो जाएगी, परसेंटेज में भी कन्वर्ट हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई,
ये क्या है बेस वैल्यू है, और ये क्या है जो वैल्यू मतलब जो वैल्यू जिसका कंपेरिजन हो रहा है वो है, और जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो नीचे है, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो नीचे है। ये क्या है बेस वैल्यू है, मतलब जिसको हमने बेस माना है। और ये क्या है ये वाली वैल्यू क्या है जिसका, ऐसे ही लिख लेंगे इसको, कंपैरिजन हो रहा है, जिसका कंपैरिजन हो रहा है। अभी इसको हटा दो, इसको अभी बाद में लिखूंगा जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो मतलब क्या है जे ये वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जिसका कंपैरिजन हो रहा है, और ये वाली वैल्यू जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, जिसका कंपेरिजन हो रहा है, और जिसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे कंपेरिजन लिख लेंगे, कंपेरिजन वैसे समझ ही जाएंगे ऊपर भी कंपेरिजन था, जिसके रिस्पेक्ट में कंपेरिजन हो रहा है। ये वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, जिसके रिस्पेक्ट में कंपेरिजन हो रहा है, और जिसका कंपेरिजन हो रहा है वो ऊपर, तो जिसके रिस्पेक्ट में कंपेरिजन हो रहा है वो नीचे, और जिसके रिस्पेक्ट में जिसका कंपेरिजन हो रहा है वो ऊपर। अब ये 25 अपॉन ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे पता है फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इन टू 100%। तो ये कितना आ जाएगा, 50% आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे कैसे आ जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 50% आ गया। अब ये चीज़ तो समझ में आई, अब ये चीज़ समझ में आई। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब क्या हुआ कि 25/50 जब मैंने लिखा, 25/50 जब मैंने लिखा, तो इसको 1/2 भी तो लिखा जा सकता था। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता था, मैंने यही तो बोला था कि मतलब 1/2 फ्रैक्शन आई है, किसके रिस्पेक्ट में आई है, किसके रिस्पेक्ट में आई, 50 के रिस्पेक्ट में। तो मतलब नीचे वाली वैल्यू को क्या होती है, बेस वैल्यू, बेस वैल्यू या जिसके रिस्पेक्ट में कंपेरिजन हो रहा था। इस सवाल में किसके रिस्पेक्ट में हो रहा था, 50 के रिस्पेक्ट में। तो मैं दो 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 यूनिट 2x को क्या ये नहीं बोल सकता कि वो 50 होगा, 2 यूनिट 50 के 50 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि 2 यूनिट 50 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये कुछ कट गया इसमें से कुछ कट गया। तो मतलब नीचे वाली वैल्यू हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है, जिसके रिस्पेक्ट में कंपेरिजन हो रहा है, मतलब 2 यूनिट, क्योंकि ये 2 और 50 इक्वल तो है नहीं, तो मतलब 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 50 को, और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 25 को, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 25 को, और 2 यूनिट, या मैं ऐसा बोलूं कि इसको एक्स मान लो और इधर भी एक्स मान लो, 2x किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 50 को, और 1x किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 25 को। तो मतलब इतनी बात अभी तो यहाँ तक समझ में आई। तो मतलब ऐसा ही तो मैं अभी ऊपर वाले केस में कर रहा था, कैसे कर रहा था कि मैंने 25% देख लिया, मैंने 25% देख लिया, 25% 1/4 होता है, इतनी बात समझ में आती है। अब 25% अगर 1/4 आता है तो मतलब ये यहाँ पे ईच मैन गेट्स 25% मोर देन ईच वूमेन। तो किस किस के बीच में कंपेरिजन हो रहा है, मैन के बीच में और वुमेन के बीच में, मैन के बीच में और वुमेन के बीच में, और यहाँ पे बेस वैल्यू ने किसको बनाया है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, देन ईच वुमेन, मतलब ईच वुमेन के रिस्पेक्ट में। तो मतलब यहाँ पे जो बेस वैल्यू है 4, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, 4x, 4x किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, वुमेन को। और यहाँ पे जो 1 है वो ईच मैन गेट्स मोर, मोर को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, 1, तो 1 यानी कि 4x अगर एक वुमेन को मिल रहा है, और तो एक्स एक मैन को उससे ज्यादा मिल रहा है, तो मैन को कितना मिल रहा होगा, 5x। तो हमने ऐसा ही तो किया था, मैन अपॉन वूमेन क्या लिख दिया था हमने, 4x कर इसको मिल रहा होगा, और मैन को कितना मिल रहा होगा, 1x उससे ज्यादा, तो कितना मिल रहा होगा, 5x। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और इतना मैंने बेसिक इसलिए बताया था कि कंपेरिजन कैसे होता है चीजों के बीच में। तो मतलब परसेंट फ्रैक्शन में ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट कौन करता है, नीचे वाली वैल्यू करती है, नीचे वाली वैल्यू जिस
मतलब कंपेयर जिसके रिस्पेक्ट में कंपेरिजन हुआ है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाली, और जो भी कुछ हो रहा है उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर वाली। जैसे इस केस में ईच मैन गेट्स 25% मोर देन, तो 25% की फ्रैक्शन क्या थी, 1/4। तो 1/4 अगर 25% की फ्रैक्शन थी तो मुझे ये पता लगा कि 1/4 में मतलब कंपेरिजन या इस फ्रैक्शन के लिए किस किस में हो रहा है, वुमेन और मैन में। तो वुमेन और मैन में हो रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, देन देन लिखा है तो ईच वुमेन के रिस्पेक्ट, तो वुमेन के रिस्पेक्ट में, मतलब वुमेन को 4 यूनिट मिल रहा होगा या वुमेन को 4x मिल रहा होगा, तो मैन को मोर मोर लिखा है ना, 25% मोर मोर, मतलब मोर को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है। अगर वुमेन को 4x मिल रहा है तो वुमेन को 4x मिल रहा है तो एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोर, जो एक मैन को ज्यादा मिला उससे। तो अगर एक वुमेन को 4x मिला है और एक मैन और क्या कहते हैं मैन को उससे एक्स ज्यादा मिला है, तो कितना मिला होगा मैन को, 4 5x मिला होगा, और यहाँ एक्स एक्स कट जाएगा, एक रेशियो बन जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो यार डायरेक्ट ही, जब मुझे पता ये कट ही जाना, रेशियो बनना ही उन चीजों के बीच में, तो बोलता हूँ कि 4 अगर एक वुमेन को मिला तो एक उससे ज्यादा एक मैन को मिल रहा है, तो 4 से 1 ज्यादा 5, तो 5/4 क्या बन गई, फ्रैक्शन बन गई। यहीं से मैं लिख दे रेशियो बन गया, यहीं से मैं डायरेक्ट अभी तक कर रहा था, जो मैंने अभी मिटा दिया था, मैंने सोचा शायद आपको समझ में ना आए, इसके लिए मैंने इसको पूरा ड्राइव करके बता दिया। और अगर फिर भी नहीं आ रहा है अभी, तो अभी के लिए इतना कर लेंगे, फिर परसेंटेज में और पढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी ये बोल लिया कि ईच मैन गेट्स 25% मोर देन ईच वूमेन, तो मैंने और वूमेन को डब्लू मान लिया, तो वूमेन को डब्लू मान लिया तो मैन को कितना मिलेगा, डब्लू तो मिल ही रहा है, और डब्लू का 25% यानी कि डब्लू अपॉन 4 हो जाएगा। तो मतलब मैन इज इक्वल टू 5W/4, तो मतलब मैन अपॉन वूमेन कितना हो जाएगा, मैन अपॉन वूमेन कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। या मैं इस चीज को डायरेक्ट भी बता सकता था कि 4 को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैन को उससे एक ज्यादा मिलना है। अगर उसको अगर मैन अगर मैं 25% की बात करूँ, अगर तो 25% की बात क्या होगी, 1/4। अब क्या बोल रहा है इसमें कि 4 तो मिल ही रहा है एक वुमेन को, 4 तो मिल ही रहा है, मैन को उसका क्या मिल रहा है, +1। तो मैन को अगर उसका प्लस मिल रहा है तो यानी कि मैन अपॉन वुमेन कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। तो आपको दोनों मेथड में से जो सा भी अच्छा लगे, या तो आप ऐसे कर लो, मैं बोलूँगा इससे करने की आदत डालो, क्योंकि ये कैलकुलेशन से बच जाओगे, एक दो स्टेप लिखने से अच्छा होगा, ये बच जाओगे इससे। अब ऐसी लैंग्वेज नीचे वाले में यूज की है, तो वुमेन अपॉन चाइल्ड कितना होगा, 5/4 ऐसा ही होगा इसमें। अब मुझे क्या बोला है कि ये टोटल अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 8 मैन में, 4 10 वुमेन में, 10 चिल्ड्रन में, तो एक वुमेन द्वारा अमाउंट रिसीव बताना है। तो अब यहाँ पे पहले तो इसको इक्वली करना है, पहले यहाँ पे ये देखो कि वुमेन को कितना मिल रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना मिल रहा है, 5। अब मुझे पता है 4 वुमेन को तो एक मतलब यहाँ पे भी जो मिलेगा वही यहाँ पे मिलेगा, जो भी शेयर मिलेगा वही, जो भी रुपए मिलेंगे वो यहाँ पे मिलेंगे, वही यहाँ पे मिलेंगे। तो उनको सेम बनाने के लिए मैंने क्या किया, उनको सेम बनाने के लिए मैंने इंटू 5, यहाँ पे 20 पे सेम बनेगा, उसको भी 20 बनाने के लिए मैंने इंटू 4 और इंटू 4 कर दिया। जब मैंने ये कर दिया तो मैन एस टू वूमेन एस टू चाइल्ड कितना आ जाएगा, 25:20:16 आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आती है, इतनी बात आई होप सबको समझ में आई होगी। अब अगर आगे की कहानी की बात करें अगर हम, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ पहले, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे और आगे की कहानी पे चलते हैं। नहीं इधर इधर शुरू कर देते हैं, क्या होगा कि अब क्या टोटल पैसा कितना दिया है, तो इधर इधर आते हैं, टोटल पैसा कितना दिया है, 1652। अब कितने मैन को मिल रहा है, 8 मैन को। अब मैंने मान लिया कि 8 में एक मैन को कितना मिल रहा होगा, यहाँ से 25x मिल रहा होगा, और इसको 20x मिल रहा होगा, और इसको 16x मिल रहा होगा, ऐसा मैंने मान लिया। अब मैं एक्स की वैल्यू अगर निकाल पाता हूँ तो हर एक का शेयर बता दूंगा। अब 1652 किसके, अब अगर मैं बात करूँ तो 1652 किसके इक्वल होगा, 1652 किसके इक्वल जा रहा है, 8 मैन, और एक मैन को कितना मिल रहा है, एक मैन को कितना रुपये मिल रहा है, 25x, और एक वूमेन को 20x, जबकि वूमेन है कितनी, 10 है, तो 10 × 20x, प्लस एक चाइल्ड को 16x, कितने चाइल्ड हैं, 10 × 16x। अब यहाँ से हुआ 1652 इज इक्वल टू 200 200 200 200 400 400 और 560x, 560x इतना हुआ।
अब अगर ये 560x अगर इतना हुआ तो अभी किससे कैंसिल होना चाहिए, ये मुझे पता है 562, अब ये किस कैंसिल हो रहा है क्या? अब इसमें देखते हैं कि 5 4 अपॉन 4 5 अपॉन 4 25 और 20:60 हो गया, इतना बिल्कुल सही किया हमने। फिर 8 × 25 + 10 × 20x + 10 × 60 तो ये कितना हो गया 560। अब ये 560 हो गया, अभी किससे कटेगा, किससे कैंसिल होना चाहिए इसको, इसको आई होप 7 से होना चाहिए, 7 2 5 2 5 और 4 6 और 4 2 7 से जा रहा है, तो 7 से ये जाएगा तो 80x बचेगा। 80x अगर बचेगा तो ये कितना बचेगा, आप क्या पूछा है सवाल में देखना, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाई ईच वूमेन। अब मुझे 20x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहीं से डायरेक्ट 20x की 80x में फिर मैं 4 का डिवाइड और दे दूंगा, तो यहाँ से मुझे 20x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 2 टाइम्स जाएगा, ये कितना जाएगा 7 से, 2 टाइम्स जाएगा, अगर 7 से डिवाइड करें 2 टाइम्स जाएगा, 2 5 बचेगा तो 3 टाइम्स जाएगा, फिर 4 6 यानी 7 टाइम्स जाएगा, फिर 7 टाइम्स जाएगा और इतना ही जाएगा, 2 3 और 4 6 2 5 यानी कि 4 6 बचा, 4 6 4 2 हाँ 6 6 जाएगा, ये 7 से जाएगा तो ये कितने टाइम जाएगा, 6 और 6 वो किसके इक्वल हो जाएगा, 80x के इक्वल हो जाएगा। अब मुझे पता है मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, अब मुझे पता है मुझे 20x की वैल्यू चाहिए क्योंकि वूमेन का शेयर कितना है, 20 एक वूमेन को कितना मिल रहा है 20x, तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 4 से तो 4 से जाए कितना जाएगा 5 पहले, फिर 3 6 तो 3 6 कितना होता है 9 टाइम्स होता है, फिर 3 6 पूरा चला जाएगा 5 0 9 होगा, पहले तो कितना होगा 5, ये कितना होगा 2 3 3 3 बचा रिमाइंडर तो 3 6 तो 9 9 फिर कितना हो जाएगा ये 1 1 टाइम्स जाएगा और 0.5 इतना ये, और ये क्या आ जाएगा इसका आंसर आप डिवाइड करके देख लेना यही आएगा। तो बेसिक बात क्या हुई, हमने कैसे करा, या तो मैं पहले ऐसा मान लूँ कि एक वुमेन को W मिल रहा था और मैन को उससे W+4 ज़्यादा, तो W+W/4 तो मैन को कितना मिल गया, मैन इज इक्वल टू 5W/4 मैन अपॉन वुमेन इज इक्वल टू 5/4, और या मैं ऐसा मान लो 25% अगर इज इक्वल टू 1/4 होता है, तो मतलब किसके बीच में कंपेरिजन हो रहा है, वुमेन के बीच में हो रहा है, वुमेन को बेस वैल्यू माना तो वुमेन 4 आई, वुमेन की को जो पैसा मिला होगा 4 यूनिट रहा होगा, और मैन को कितना ज़्यादा मिल रहा है 1 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है, अगर मैन को 1 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है तो 5 यूनिट मिला होगा 5/4, और ऐसे ही करके वुमेन अपॉन चिल्ड्रन का वो रहा होगा रेशियो, क्योंकि यही रहा होगा तो ऐसे ही करके वुमेन और चिल्ड्रन का निकाल लेंगे तो 5/4 ही आएगा, तो 5/4। अब इसको इक्वल बनाना है वुमेन को, वुमेन को इक्वल, वुमेन यहाँ पे 4 थी यहाँ पे 5 थी तो 20 बना लिया, वुमेन को अगर 20 बना लिया तो ये 25 हो गया, 25:20:16 हो गया, और अगर ये 25:20:16 हो गया तो ये पता है 25x रहा होगा ये, और ये 20x रहा होगा, और ये कितना रहा होगा 16x रहा होगा कट के, तभी 25:20:16 आ रहा होगा। फिर उसके बाद में टोटल जो सब मिल रहा था वो 16562 मिल रहा था, और 8 8 मैन थे तो 8 8 × 1 मैन को मिलने वाला पैसा 25x, 8 मैन को मिलने वाला इतना, और 10 वुमेन को मिलने वाला इतना पैसा, और 10 चिल्ड्रन को मिलने वाला इतना पैसा, टोटल इन दोनों को इक्वेट कर दिया, यहाँ से 80x की वैल्यू मुझे क्या पता लग गई, 2 3 6 6 पता लग गई, और अगर 80x की वैल्यू 2 3 6 6 पता लग गई अगर मुझे, तो मैं मुझे पता है वुमेन का शेयर निकालने के लिए मुझे 20x की वैल्यू चाहिए, तो 20x को अपॉन 4 फिर से कर दिया, तो 591.5 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, और आप मैं समझता हूँ ये आपको अब समझ में आया होगा, या इसको करने का दूसरा तरीका भी था और वो बताऊँ तो दूसरा तरीका भी क्या होगा, दूसरा तरीका जैसे दूसरा तरीका मान लो 5/4 ये आ रहा था, तो मैं ऐसा मान के चलूँ ये वाला मेथड अभी तक मैंने बताया नहीं है कहीं, एक जगह शायद बताया था, फिर भी मैं बता देता हूँ उसको, लेकिन वो लेंथी है, यही तरीका सही है इस सवाल के लिए, उससे कैलकुलेशन फ्रैक्शन में जाएगी और वो लेंथी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ उसको। तो यहाँ से मैन अपॉन वुमेन तो मुझे पता ही है कितना आ रहा था 5/4, और वुमेन अपॉन चाइल्ड कितना आ रहा था 5/4। अब मैं एक रेशियो को दूसरे रेशियो में कन्वर्ट करता हूँ कैसे, क्योंकि अभी तो इन दोनों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर अलग अलग है, लेकिन अगर मैं इसको इक्वल बना देता था तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम हो जाता था, लेकिन अभी अलग अलग है तो मैं इसको क्या मान लूंगा 5x और 4x। अब मैं क्या बोलूँगा कि दूसरे वाले रेशियो के लिए वुमेन तो यहाँ अगर 4x हो गई, वुमेन की एग्जैक्ट वैल्यू तो यहाँ पे भी 4x हो गई, तो मैं ये बोलूँगा अगर 4x
कि इसकी वैल्यू रही होगी दूसरे वाले वैल्यू में, दूसरे वाले रेशियो में, दूसरे वाले रेशियो में इधर लिख देता हूँ। अगर दूसरे वाले रेशियो में 4x किसकी वैल्यू रही होगी, 5 की वैल्यू रही होगी, तो 4 की वैल्यू ये क्या हो गया होगा, चाइल्ड हो गया होगा। ये क्या हो गया होगा, चाइल्ड की, चाइल्ड को मतलब एक दिन में चाइल्ड को मिलने वाला पैसा है क्या हो गया होगा, ये इतना हो गया होगा। अब मैं क्या बोलूँगा कि वूमेन को कितना मिल रहा था, मैन को कितना मिल रहा था, 5x। एग्जैक्ट तो 5x ही मिल रहा था, रेशियो अलग था। अब 5x मिल रहा था और वूमेन को क्या मिल रहा था, 4x मिल रहा था, और चाइल्ड को क्या मिल रहा था, 16x/5 मिल रहा था। इतनी बात सबको समझ में आई? अब अगर इतनी बात समझ में आई तो अब मैं क्या करूँगा, अब ये वैल्यू मैं उठा के किस में रख दूंगा, इसी में रख दूंगा। कैसे रख दूंगा, 16562 = 5 × कितने, 8 मैन। अब या तो मैं यहाँ से, एक तरीका ये भी है, इन तीनों का मुझे एक्स में दिख रहा है तो इन तीनों का मैं रेशियो भी बना लूँ, अगर मैं यहाँ से बनाना चाहूँ तो मैं इन तीनों का रेशियो भी बना सकता हूँ। कैसे, 5x = 4x = 16/5, 16x/5। अब यहाँ से जब मैं डिवाइड करूँगा रेशियो में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, इधर लिखता हूँ। अगर मैं इन तीनों का रेशियो निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, एक चाइल्ड है, ये चाइल्ड 5x = 4x = 16x/5, तो इतना आ गया। अब यहाँ पे जब कौन सब में डिवाइड लगेगा एक्स से, तो एक्स हट जाएगा, फिर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 25, और ये 20, और ये 16 बन जाएगा। तो यही पिछले बारे में भी तो यही बना था, लेकिन हमने ये ऐसे करके बना दिया, और उस वाले केस में इसको बैलेंस करके बनाया था। या अगर मुझे ये रेशियो भी नहीं बनाना है तो मैं डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकता हूँ। कैसे, कि मैं एम की वैल्यू क्या रख दूंगा, मैन की वैल्यू क्या रख दूंगा, कितने मैन थे, 8 × 5x। अब यहाँ रेशियो आ गया, या तो रेशियो को बना के वैल्यू रख दो, या अब यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू रख दो। कैसे, 8 + 5 × 5x + 10 × 4x + 10 × 16x/5, तो इतना आ गया। अभी आप जब यहाँ से सॉल्व करोगे तब x कुछ आ जाएगा, फिर w की वैल्यू क्या है, 4x, या मैं ही कर देता हूँ इसको, 16562 = याद रखना पिछले वाला x ये वाला x अलग होगा, क्योंकि ये दो रेशियो वाला लिया है, वहाँ पर 3 रेशियो को बैलेंस करने के बाद लिया था। ये वाला x की वैल्यू वो वाले x की वैल्यू अलग अलग आएगी, क्यों आएगी मैंने बता भी दिया, क्योंकि वो ये दो रेशियो को बैलेंस कर, दो रेशियो की वैल्यू है वो 3 रेशियो को बैलेंस करने के बाद। 3 से मतलब क्या था, इन तीनों को रेशियो में ले लिया था, लेकिन यहाँ पे तो इस वैल्यू को कंपेरिजन में करके इसका रेशियो तब उसमें निकाला। जैसे इसकी वैल्यू 4x मान ली ऑलरेडी, लेकिन उसकी वैल्यू 16x, उसकी वैल्यू 20x कब मानी थी, जब तीनों को रेशियो में ले लिया था तब। 40x + 40x + 160x/5, इतनी बात सबको समझ में आती है। फिर ये कितना हो जाएगा, 202, यहाँ पे जो आएगा एलसीएम, 200 200 560, और 16562 × 5, क्योंकि ये इधर आ जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 560x आ गया ये। अब अगर ये 560x आ गया तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, मुझे तो अब किसकी वैल्यू चाहिए, 4x की वैल्यू चाहिए। और 4x की वैल्यू के लिए अब मैं क्या करूँगा, अब ये मुझे पता है 7 से जा रहा था, तो 7 से कितना टर्म जाएगा, 80x, तो ये कितना आ जाएगा, 2366 आ रहा था शायद, हाँ यही आ रहा था, 2366। और अगर ये 2366 आ गया तो फिर से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये 16x बचेगा। और अगर ये 16x बचा तो अब जब इसको फिर से 4 से डिवाइड लगाओगे तो 4x = जब 4 से फिर से डिवाइड लगाओगे, मैं ऊपर लिख रहा हूँ नीचे शायद नहीं दिख रहा होगा, जब फिर से 4 से डिवाइड लगाओगे तो 4x = किसके आ जाएगा, 2366/4 के इक्वल आ जाएगा। और अगर ये 2366/4 के इक्वल आ जाएगा तो 4x = जो कि वूमेन का, वूमेन को एक दिन का जो एक वूमेन द्वारा रिसीव पैसा है वो आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा, 591.5 के इक्वल आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप मैंने दोनों तरीक़ों से बता दिया और आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन की क्या है, क्वेश्चन, अ सम ऑफ रुपीज़ 462 हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 30 पीपल कंसिस्टिंग ऑफ मैन वुमेन, मतलब कितने का सम था, 462 रुपीज़ थे, वो किस में डिवाइड हुए हैं,
देखो पहले तो क्वेश्चन को बहुत ढंग से पढ़ना होता है लैंग्वेज को। कई बार एक बार से पढ़ने में लैंग्वेज का मतलब नहीं समझ में आता, तो दो बार भी पढ़ना पड़ता है। तो इट इज़ ऑन यू, इट्स योर कैपेसिटी कि आप कितनी बार में उसको समझ सकते हैं। तो असम ऑफ 462 हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 30 पीपल कंसिस्टिंग ऑफ मैन वुमेन चाइल्ड एंड चिल्ड्रन। द टोटल अमाउंट गिवन टू मैन वुमेन एंड चाइल्ड, मतलब टोटल अमाउंट जो है, अमाउंट का रेशियो कितना दिया है, अमाउंट का रेशियो दिया है 24:35:60। और ये अमाउंट इसमें से किसको मिली है, मैन को मिली है, ये वुमेन को मिली है, और ये टोटल चिल्ड्रन को मिली है। मतलब टोटल अमाउंट है जो टोटल मेल्स मैन को मिली होगी, टोटल वुमेन को, टोटल चिल्ड्रन को मिली होगी, सभी काम कर रहे होंगे। द रेशियो ऑफ अमाउंट, अभी तो मैं क्या यहाँ से मैं ये बता सकता हूँ कि मुझे पूछा क्या, फाइंड ईच मैन एंड वुमेन रिसीव, फाइंड ईच मैन वुमेन चाइल्ड रिसीव, मतलब कितनी कितनी अमाउंट सबको मिलेगी, एक मैन को, एक वुमेन को और एक चाइल्ड को। तो मैं कैसे बताऊंगा, मैं मुझे ये पता है कि 462 टोटल अमाउंट दी है, और मैं टोटल मेल को मिली अमाउंट और टोटल वुमेन को और टोटल चाइल्ड को भी बता सकता हूँ। तो मैं अगर टोटल मुझे पता है और मुझे अगर नंबर ऑफ मेल्स और नंबर ऑफ वुमेन और नंबर ऑफ फीमेल, नंबर ऑफ चाइल्ड पता लग जाए, तो नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ चाइल्ड मुझे पता लग जाए, तो मैं क्या करूँगा, अगर इनका टोटल नंबर पता लग जाए और इनकी टोटल अमाउंट मेरे पास निकाल ही लूँगा मैं, तो मैं टोटल क्या निकाल लूँगा, जो एक मैन को पैसे मिल, एक मैन को मिले हुए रुपए और एक वुमेन को मिली हुई मिल, एक जितना एक वुमेन को मिल रहा है, फिर एक चाइल्ड को जितना मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा इसमें, जो टोटल अमाउंट है वो कितने रेशियो है, 25:34:35:60। तो कितना हो गया ये, 59:59:60, यानी कि 119। तो 119 यूनिट हो गया। अब मुझे सवाल में 119 की वैल्यू कितने के इक्वल दी है, 476 के इक्वल दी है, ये यूनिट है, नहीं कहीं आप इसको भी नंबर समझ लो। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, एक यूनिट, या तो आप एक्स भी मानो तब भी एक ही बात है, यूनिट मानो तो भी कोई एक ही बात है, एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। तो मतलब इनको मिलने वाले रुपए कितने होंगे, 96 रुपीस, इनको मिलने वाले 140 रुपीस, इनको मिलने वाले रुपए कितने होंगे, 240 रुपीस होंगे, 96, 140 और 240 रुपीस होंगे। अब मुझे क्या पता लगाना, अगर मैं अब तीनों का नंबर पता लगा पाता हूँ, तीनों को मतलब किस, मतलब तीनों तीनों जो हैं, मैन कितने रहे होंगे, वुमेन कितनी रहे होंगी और चाइल्ड कितने रहे होंगे, तो मैं इन रुपए को डिवाइड कर दूंगा, और जो एक वुमेन को और एक मैन को जो प्राइस मिलेगी, एक वुमेन को मिलेगा और एक चाइल्ड को मिलेगा, तो वो मुझे पता लग जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे पता, रेशियो दिया, रेशियो दिया है, दो रेशियो दिए, तो रेशियो से मैं रेशियो तो आसानी से निकाल सकता हूँ, तो मैं किस चीज़ का रेशियो निकाल पाऊँगा इससे, जो अमाउंट गिवन टू, जो टोटल अमाउंट गिवन है और जो एक को मिल रही है वो अमाउंट के माने कितनी, 6:7:10 के माने। अब क्या होता है, टोटल किसके कब बनता है, मैंने बताया था टोटल कब बनता है, टोटल कलेक्शन बनता है, टोटल कलेक्शन इज इक्वल टू जो एक को मिली हुई है अमाउंट इंटू नंबर ऑफ मेल्स या नंबर ऑफ पर्सन्स। तो मैं जब इन दोनों का रेशियो बनाऊंगा, तो 24/6 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को, नंबर ऑफ मेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करेगा, क्यों करेगा, ये मैंने बताया था कि टोटल अपॉन एक को मिली हुई अमाउंट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पर्सन। तो 24/6:24/6:2 35/7:60/10। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4:5:6। अब ये क्या आ गया, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स, ये यहाँ पे मेल हैं, ये फीमेल रही होंगी, और ये क्या, ये वुमेन या फीमेल रही होंगी या ये चाइल्ड रहा होगा। तो अब जो मतलब 4 यूनिट अगर चाइल्ड रहे होंगे, तो 5 यूनिट वुमेन रही होंगी और 6 यूनिट चिल्ड्रन रहे होंगे, 4 यूनिट मेल रहे होंगे, 5 यूनिट वुमेन रही होंगी, 6 यूनिट चिल्ड्रन रहे होंगे, टोटल ये कितना है, 4, 9, यानी कि 15, 15 यूनिट की वैल्यू टोटल सवाल में कितनी दी है, कितने पीपल हैं टोटल, 30 पीपल। तो 15 यूनिट इज इक्वल टू, मतलब 2 गुने है सीधा सीधा, 30 के इक्वल हो जाएगा, 30 पीपल के इक्वल हो जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगी।
अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 के इक्वल हो गई तो मैन कितने रहे होंगे यहाँ से, मैं मैन बता सकता हूँ, मैन कितने रहे होंगे यहाँ से, 8 रहे होंगे, और वूमेन कितनी रही होंगी, 10 रही होंगी, और चाइल्ड कितने रहे होंगे, 12 रहे होंगे। अब एक बात बताओ, 96 रुपये किसको मिल रहे थे, टोटल मेल्स को मिल रहे थे, और टोटल मेल कितने रहे थे, टोटल मैन या टोटल मेल कितने थे, 8 थे। अगर एक तो जो ईच मैन रिसीव, तो मतलब सैलरी ऑफ वन मैन कितनी आ जाएगी, सैलरी ऑफ वन मैन कितनी आ जाएगी, सैलरी ऑफ वन मैन कितनी आ जाएगी, 96/8 यानी कि 12 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आई। ऐसे ही वूमेन की कितनी आ जाएगी, वूमेन वूमेन की कितनी आ जाएगी, 12 आ गई, 12 रुपीज़ पर डे, 12 रुपीज़ पर पर्सन आ गई। इतनी बात समझ में आई, 12 आ गई। अब वूमेन की निकालने के लिए 140 टोटल था रुपए थे, कितने वूमेन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, कितनी वूमेन है, 10 वूमेन है, ये 10 है, कितनी वूमेन है, 10। अगर 10 वूमेन है और 140 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो एक वूमेन को कितने मिल रहे होंगे, 14 मिल रहे होंगे। ऐसे एक चाइल्ड के मिल जाएंगे, एक चाइल्ड के कैसे मिलेंगे, एक चाइल्ड के 240/12, 240 12 चाइल्ड है तो 20, तो मतलब क्या आ गई उनकी सैलरी, उनकी सैलरी क्या आ गई, 12/14:20। अब देखो एक चीज, अब इसमें क्या दिया कि द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वन मैन वन वूमेन वन चाइल्ड कितना है, 6:7:10, मतलब जो एक को मिल रहा है, और एक को ही क्या मिल रहा था, ये भी, ये रुपए भी एक को ही मिल रहे हैं, कितने, 14, 12, 14 और 20। अब इनका रेशियो कितना है, इनका रेशियो भी कितना है, 12:14:20 का मतलब क्या होता है, 6:7:10, तो मतलब हमने जो किया है वो सही है और आंसर हमारा सही आ रहा है। तो यही उस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने कैसे करा, जो टोटल अमाउंट दी थी उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि एक मैन को कितना मिला होगा, उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि टोटल मैन को कितने रुपए मिले, 96 रुपए मिले होंगे, और टोटल वूमेन को 140 और टोटल चाइल्ड को 240। अब नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए जो टोटल अमाउंट का रेशियो था अपॉन जो एक को मिल रहा था, वो ऐसा ही सब में कर दिया, तो यहाँ से नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो आ गया। अगर नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो मुझे मिल गया, तो मुझे वहाँ से वो टोटल पर्सन मुझे दिए थे 30, तो मैंने 30 को क्या, 1 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर आ गई, तो यहाँ से मुझे नंबर ऑफ मेल्स पता लग गया, नंबर ऑफ वुमेन्स पता लग गया, नंबर ऑफ चाइल्ड पता लग गया। अगर मुझे ये सब पता लग गया, तो उसके बाद में क्या हुआ, फिर एक मैन की सैलरी निकालने के लिए अगर 96 रुपये एट चा एट एट मैन को मिल रहे थे, तो एक मैन को कितना मिलेगा, 12 रुपये। अगर वूमेन को, अगर टोटल वूमेन को 140 मिल रहे थे और कितनी वूमेन थी, 10 थी, तो एक वूमेन को कितना मिलेगा, 14 रुपीज़। एक वूमेन को कितना मिलेगा, 14 रुपीज़, एक वूमेन को 40 रुपीज़, और एक चाइल्ड को कितना मिलेगा, 20 रुपीज़। और अगर इसको चेक करना है गलत है कि सही है, तो वो कैसे करेंगे, इन तीनों का रेशियो 6:7:10 आना चाहिए, तो कितना ही आ रहा है, 6:7:10 ही आ रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्या अगली टाइप पे बेस्ड है। वैसे तो मैं सारी टाइप पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसमें कुछ चेंजेस हैं, शायद इसको आप ना कर पाएँ, तो इस क्वेश्चन को पहले आप पढ़ लो, फिर मैं ट्राई करता हूँ। बिफोर अ बैटल द रेशियो ऑफ टैंक्स टू प्लेन इन एन आर्मी वॉज 5:3। तो क्या था, टैंक थे और प्लेन थे, उनमें रेशियो कितना है, 5:3 है। इतनी बात सबको समझ में आती है। ड्यूरिंग द वॉर 100 टैंक्स वर डिस्ट्रॉयड, ड्यूरिंग द वॉर 100 टैंक्स वर डिस्ट्रॉयड एंड 800 प्लेन्स वर डिस्ट्रॉयड, द रेशियो टू टैंक्स टू प्लेन्स बिकम 2:1, वॉट इज द नंबर ऑफ टैंक्स आफ्टर वार। अब एक बात बताओ, अगर मैं टैंक्स को शुरुआत में निकाल लेता हूँ, वॉर से पहले कितने टैंक्स थे, उनमें से क्या मैं 100 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, उनमें से 100 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन की बेसिक बेसिक अप्रोच बिल्कुल क्या रखूंगा, कि नंबर ऑफ टैंक्स क्या रहे होंगे, 5x रहे होंगे शुरुआत में, और नंबर ऑफ प्लेन्स क्या रहे होंगे, 3x रहे होंगे, यही तो रहे होंगे। अगर 5x नंबर ऑफ टैंक्स रहे होंगे, तो उनमें से कितने डिस्ट्रॉय हो गए, आप बोलोगे 100 डिस्ट्रॉय हो गए, तो बचे कितने, इतने इतने ही बचे। इतनी बात समझ में आती है। फिर इसके बाद में जो प्लेन्स का बोल रहा है, वो प्लेन्स अगर 3x रहे होंगे और उसमें से अगर 800 डिस्ट्रॉय हो गए, तो बचे कितने, इतने बचे। और अब बोल रहा है उनका रेशियो क्या हो गया, अब बोल रहा है उनका रेशियो क्या हो गया, 2:1 हो गया, क्या हो गया, 2:1। अब क्या करूँगा मैं, इस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5x माइनस 100
हंड्रेड इज इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस 1600, तो ये कितना है, ये 5 उधर जाएगा और ये 16 इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1500 इज इक्वल टू एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो अगर मुझे 1500 एक्स की वैल्यू पता लग गई तो ये कितने रहे होंगे, 15 × 5 × 15 क्या रहे होंगे, 10 रहे होंगे शुरुआत में, और ये कितने हो गए 7500, 7500। अगर मैं उसमें से मैं 100 माइनस कर देता हूँ तो क्या आ गए, जो बाद वाले टैंक होंगे, जो बाद वाले टैंक होंगे वो कितने हुए, अब बाद वाले टैंक क्योंकि 100 कम थे तो बाद वाले टैंक बार के बाद वाले कितने हो गए 7400। और यही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आपसे प्लान पूछता कि बिफोर वॉर प्लान कितने थे, तो 3x थे, तो कितने 3 × 1500, और बाद में और आफ्टर वॉर कितने थे, आफ्टर वॉर अगर पूछे तो कितने कम हो गए, 800 कम हो गए, 800 कम हो गए, तो 4500 में से 800 ज़्यादा तो कितना बचता, 4537 आंसर आ जाता। तो ये हुआ क्वेश्चन को करने का तरीका, कैसे अप्रोच करेंगे, एक को माना 5x माइनस 100 अपॉन 3x माइनस 800 इज इक्वल टू 2/1, तो इसको ऐसे करके कर दिया, फिर आंसर आ गया। अब या आप डायरेक्ट ही नंबर ऑफ टैंक्स आफ्टर बार निकालना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, उस चीज़ को देखेंगे कैसे करेंगे। वैसे तो ये मेथड भी बहुत अच्छा है, इसका एक और मेथड होता है वो मैं अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को अभी वो शायद समझ में ना आए, अभी इसको तो इसी मेथड से करेंगे। तो क्या होगा, अगर मैं मुझे बोर के बाद के ही निकालने हैं तो मैं क्या मानूंगा, टैंक और प्लान, तो 2x 2:1 ही तो दिया है बोर के बोर के बाद वाला रेशियो, तो 2:1 दिया, तो मैं क्या मानूंगा 2x हो रहे होंगे प्लान बोर के बाद में, और वो टैंक और x रहे होंगे प्लान। अब ये 2x कब रहे होंगे, 2x जब रहे होंगे जब 100 डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, एक बात ध्यान से सुनना। तो अगर 100, वैसे वही वाला तरीका सही है लेकिन जिनको ये समझ में आ रहा है और अच्छी बात है, तो अगर 100 डिस्ट्रॉय हुए होंगे अगर, तो युद्ध से पहले कितने रहे होंगे, वॉर से पहले, अगर 2x तो ये बहुत वॉर के बाद में, तो वॉर से पहले 2x प्लस 100 यही तो रहे होंगे टैंक, और प्लान कितने रहे होंगे x प्लस 800 यही तो रहे होंगे। और क्या बोल रहा है, बोर से पहले उनका रेशियो कितना था 5/3, और बोर से पहले उनका रेशियो 5/3 था, तो इधर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 6x + 300 इज इक्वल टू 5x + 4000। अब ये इधर आएगा x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3700, और अगर x की वैल्यू 3700 आ गई तो मुझे टैंक्स आफ्टर वॉर पूछा था, तो 2x की वैल्यू, 2x ही तो टैंक्स थे, 2x ही टैंक्स को माना था, 2x की वैल्यू कितनी आ गई 7400, और यही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इस पे हम और क्वेश्चन ले रहे हैं 2-3, क्योंकि जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे अभी लेते हैं और क्वेश्चन, क्या है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 persons इज 5:3 एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5। मतलब उनकी इनकम का रेशियो दिया है कितना, दिया है 5:3, और उनके खर्चे का अनुपात कितना दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया है 9:5। इफ़ द सेव रुपीज 2600 एंड 1800 रिस्पेक्टिवली देयर इनकम आर, तो ये भी वही पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। क्यों क्यों है पिछले वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखेंगे, कि उनकी इनकम थी, इनकम है, तो हमें क्या पूछा, इनकम का ही रेशियो पूछा है, पहला फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन कितनी है 5:3। अब 5:3 अगर इनकम है तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो क्या बचेगा, मैंने बताया था पिछली क्लास में, इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। अब अगर 5x, अब मैं इनकम को, पहले वाले की इनकम को 5x मान लूँ, और वो सेव कितना कर रहा है -26, और उसमें सेविंग को हटा दूं, इनकम में से ऊपर लिखता हूँ ये समझाने के लिए, इनकम में से मैंने क्या माइनस कर दिया सेविंग, तो क्या बचेगा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ही तो बचेगा, तो ये होगी इसकी इनकम पहले वाले का एक्सपेंडिचर, और दूसरे वाले का एक्सपेंडिचर क्या होगा 3x माइनस 1800 इज इक्वल टू, अब उनका रेशियो कितना दिया है 9/5, अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व, उनका रेशियो कितना दिया 9/5, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x
13,000 इज इक्वल टू 27x माइनस 89 या 162 जीरो, और ये उधर जाएगा, ये उधर इधर आएगा, तो कितना बचेगा 32,000 इज 100 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बताएगा कोई x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1600। और अगर x की वैल्यू 1600 मिल गई तो मुझे क्या ही पूछा था, इनकम, और दोनों की इनकम पूछी थी, तो पहले वाले की इनकम कितनी थी, पहले वाले की इनकम कितनी मानी थी हमने 5x, और सेकंड वाले की इनकम कितनी मानी थी 3x। और अगर 1600 x की वैल्यू आ गई तो 5 × 1600 इज इक्वल टू कितना आ गया, 800 आ गया, और ये 3 × 1600 इज इक्वल टू 3 × 1600 इज इक्वल टू 4800 आंसर आ गया। अब इन दोनों का आंसर आ गया, कैसे करा हमने, पहले मैंने देखा इनकम का, इनकम पूछी है तो इनकम को 5x और 3x मान लिया दोनों की, फिर मैंने इनकम में क्या घटा दिया, सेविंग घटा दी, वो नीचे भी घटा दी ऊपर भी, पहले वाले की अगर इनकम में से सेविंग घटाऊंगा तो एक्सपेंडिचर बचेगा, तो इनका एक्सपेंडिचर ये, इनका एक्सपेंडिचर ये, और दोनों का रेशियो कितना 9/5। अगर 9/5 रेशियो तो फिर यहाँ से सॉल्व करके 5x एक की इनकम की थी, दूसरे की 3x थी, तो ये आंसर आ गया इसका, इसका आंसर आ गया। अब इस पर 2-3 सवाल और लेते हैं, फिर ये टाइप भी ख़त्म हो जाएगी, ये भी उसी टाइप पर चल रहा है जो अभी हम पढ़ रहे थे, इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जानते हैं वैसे। हाउ मेनी जॉब एप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड, मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हाउ मेनी जॉब एप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वॉज 19:7। सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड 19:17। If 1200 less had applied and 800 less selected, then the ratio of selected to unselected would have been 1:1। अब मुझे ए रेशियो दिया है, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब जो अप्लाई करने की बात की है, वो टोटल कैंडिडेट अप्लाई करे होंगे वो कितना होंगे, या तो कैंडिडेट जिसने अप्लाई किया है वो तो या तो सिलेक्टेड होगा या अनसेलेक्टेड होगा, और कोई तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे दी नहीं है, तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, तो या तो सिलेक्टेड होगा या अनसेलेक्टेड होगा, तो अब मुझे उसी में कम दिया है और सिलेक्टेड में दिया है, तो मुझे अप्लाइड और सिलेक्टेड का तो दे रखा है कम करने का, तो अनसेलेक्टेड का मुझे यहाँ पर लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सिलेक्टेड और अप्लाइड की बात करूँ तो उनका रेशियो कितना होगा, अगर ये 19 है और टोटल 19+17 ही तो सिलेक्ट वो अप्लाइड हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि 19 सिलेक्टेड प्लस अनसेलेक्टेड इज इक्वल टू अप्लाइड कैंडिडेट्स, सिलेक्टेड प्लस अनसेलेक्टेड इज इक्वल टू अप्लाइड कैंडिडेट्स, तो ये कितना हो गया 36 यूनिट। अगर 19 सिलेक्ट हुए हैं तो टोटल ने अप्लाई कितना किया था 36 यूनिट ने, तो अब अगर मैं इसको 19x मानूं सिलेक्टेड को और अप्लाइड को 36x मानूं, तो 19x में से अगर मैं जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में कितने कम सिलेक्ट हो रहे हैं, 800 लेस सिलेक्टेड, तो पहले वाले केस के इतने हैं और उसमें से अगर मैं 800 कम कर देता हूँ तो ये बाद वाले केस के क्या बचे, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बचे, क्या बचे बाद वाले केस के, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। अगर ये बाद वाले केस के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बचे तो अब बाद वाले केस के अप्लाइड कैंडिडेट्स क्या होंगे, पहले वाले केस के 36x थे, अब बाद वाले केस में क्या हो गया, बाद वाले केस में मैं क्यों ले जा रहा हूँ डाटा को, क्योंकि मुझे बाद वाले केस में क्या दिया रेशियो, 1:1 इनका दिया है, इसीलिए मैं ले जा रहा हूँ, तो 36x थे, अब उसमें से 1200 कम ने अप्लाई किया तो कितने हो गए 1200। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, रेशियो किसका दिया है, सिलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड दिया है, अगर सिलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड दिया है तो 1:1 दिया है, अगर मैं सिलेक्टेड टू अप्लाइड की बात करूँ तो कितना होगा, सेकंड केस में सिलेक्टेड तो 1 ही रहेगा लेकिन अप्लाइड की 1+2 हो जाएगा, 1+1 2 हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला क्या था सिलेक्टेड, नीचे वाला क्या था अप्लाइड, तो 1/2 हो गया। अगर अब ये रेशियो 1/2 हो गया कि बाद वाले केस के ऊपर वाले सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, बाद वाले केस के नीचे वाले अप्लाइड कैंडिडेट्स हैं, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो 38x माइनस 1600 इज इक्वल टू 36x माइनस 1200, तो ये कितने के बराबर हो गया, 2x इज इक्वल टू 400 के बराबर हो गया, और अगर x तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 200 के बराबर आ गई,
और अगर x की वैल्यू 200 के बराबर आ गई तो मुझे क्या पूछा था, हाउ मेनी जॉब एप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड, मतलब पहले वाले केस में पूछा था, ये तो दूसरे वाले केस में तो इफ लगा दिया, मतलब ओरिजिनली कितने ने अप्लाई किया था, तो पहले वाले केस में ये था एप्लीकेंट्स कितने थे 36x, और x की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 200 है, और अगर x की वैल्यू 200 है तो ये कितना हो गया 7200, और यही क्या हो गया आंसर हो गया। मैंने कैसे करा, पहले सिलेक्टेड से अनसिलेक्टेड का रेशियो दिया था, लेकिन मुझे पता है कि डाटा तो किस पे दिया है, अप्लाइड पे और सिलेक्टेड पे, तो सिलेक्टेड से अनसिलेक्टेड का रेशियो दिया था, तो मैंने वहाँ से सिलेक्टेड का अप्लाइड का रेशियो बना लिया, तो 19x और 36x हो गए पहले वाले केस में। लेकिन दूसरे वाले केस में क्या बोल रहा है कि कितने कम सिलेक्ट हुए 800, अगर 800 कम सिलेक्ट हुए तो 19x में से 800 माइनस कर दिया, तो दूसरे वाले केस में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वो आ गए, और अपॉन में जो 36x पहले वाले केस में अप्लाइड कैंडिडेट्स थे अगर उसमें से मैंने 1200 माइनस कर दिया तो दूसरे वाले केस में अप्लाइड कैंडिडेट्स आ गए, और ये रेशियो किसके इक्वल होगा 1/2 के इक्वल होगा इन दोनों का रेशियो। तो वहाँ से मैंने x की वैल्यू पता लगा ली, अगर x की वैल्यू पता लग गई तो टोटल एप्लीकेंट्स का मुझे पता लग गया कि कितने हो गए 7200 हो गए, और यही क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अब इसको इस पर एक आध क्वेश्चन और करते हैं, नहीं तो इस पर सभी टाइप कंप्लीट हो गए हैं। इस पर अब कुछ और मिसलिनियस क्वेश्चन करते हैं रेशियो के, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द मंथली इनकम ऑफ अश्विन एंड बुमरा आर इन द रेशियो ऑफ कितने रेशियो में, 3:2 के रेशियो में उनकी इनकम, और उनके एक्सपेंडिचर किसके रेशियो में, 5:3 के रेशियो में, अगर दोनों इफ ईच ऑफ देम सेव्स 1000 rupees अ मंथ देन वॉट इज द इनकम ऑफ बुमरा, तो बुमरा की इनकम पूछिए, तो पहले तो इनकम लिख लेंगे, जो भी सवाल में दिया है मैंने पहले ही बोला अच्छे से पढ़ेंगे उसको, अश्विन और बुमरा उनकी इनकम किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, इनकम का रेशियो क्या है 3:2 है, अगर इनकम का रेशियो 3:2 है और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 5:3 दे रखा है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो अगर 5:3 दे रखा है तो क्या पूछा है क्वेश्चन में कि उनकी सेविंग कितनी है, 1000 rupees है हर मंथ, तो उनकी बुमरा की इनकम पूछी है, अब इनकम पूछी बुमरा की तो 3x क्या रही होगी अश्विन की इनकम, अगर उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ कि क्या माइनस कर देता हूँ उसकी सेविंग 1000 rupees, तो ये क्या बन गई, ये बन गई अश्विन की, ये क्या बन गई, ये बन गई अश्विन की एक्सपेंडिचर, अश्विन का एक्सपेंडिचर हो गया ये, अगर अश्विन का ये एक्सपेंडिचर हो गया तो अब बुमरा की इनकम कितनी है 2x है, और बुमरा भी कितना सेव कर रहा है 1000, तो अश्विन और बुमरा के, ये अश्विन का एक्सपेंडिचर और बुमरा का एक्सपेंडिचर, और दोनों का रेशियो सवाल में कितना दिया है 5:3 दिया है, 5:3 दिया है, अगर दोनों का रेशियो 5:3 दिया है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x माइनस 3000 इज इक्वल टू 10x माइनस 500, तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, यहाँ से मुझे x की वैल्यू की बात करूँ तो 200 आएगी सॉल्व करके, x की वैल्यू 200 आ गई, अगर x की वैल्यू 200 आ गई तो बुमरा की इनकम क्या थी, बुमरा की इनकम थी 2x, तो 2x किसके बराबर आ जाएगा 2×200 के बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 2×200 बुमरा का क्या आ गई इनकम आ गई, तो यानी कितनी हो गई 2×2000, तो 4000 हो गई, और वहीं अश्विन की पूछता तो 3x मानी थी तो 3x के हिसाब से कितनी हो जाती है अश्विन की 3×2000, तो यानी 6000 हो जाती। अब ये तो हुआ इस सवाल को करने का एक और एक तरीका, अब दूसरा तरीका मैंने कल बताया था, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, देख लो इसको मैं अभी मिटा रहा हूँ, अब दूसरे तरीके की बात करता हूँ, दूसरा तरीका कल मैंने बताया था कि अगर सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट या सेम चीज़ ऐड हो रही है तो उनका गैप बराबर करना पड़ता था, अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी, ये जो कल की वीडियो में पढ़ाया था मैंने कि जो पहले की वीडियो थी या कल की में या मतलब पहले की वीडियो में पढ़ाया है कि जैसे इनकम दी है कितनी दी है 3:2 दी है इनकम, और एक्सपेंडिचर कितना दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है 5:3 दिया, अगर एक्सपेंडिचर इनकम 5:3 दी है, अब जब मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाता हूँ तो क्या बचती है सेविंग बचती है, और जब मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाता हूँ तो भी सेविंग बचती है, अगर सेविंग बचती है तो इस केस में सेविंग सेम है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ 3 में से 5 घटा रहा हूँ, 3 यूनिट में से 5 यूनिट, तो ये 2 और यहाँ पे 1 बच रही है, तो मैंने क्या बोला था इस गैप को इक्वल करने के लिए, क्योंकि ये वाला गैप तो सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है,
इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो ही सेविंग को रिप्रेजेंट करेगा, और इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो ही सेविंग को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर ये वाला ग्रुप, अगर ये वाला गैप सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं ये इसको इक्वल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस दो, इन दोनों को इक्वल बनाऊंगा। इसका गैप कितना है, 5 और 3 का 2 का, इसका गैप कितना, 1 का। मैंने रीजन पिछली क्लास में बताया था, नहीं तो अब बहुत ज़्यादा वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा फिर से अगर बताऊँगा। तो इसका गैप अगर 1 का है, इसका गैप 2 का, तो क्या बना सकता हूँ मैं, 1 2 को क्या बना सकता हूँ, एलसीएम 1 2 का। 1 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 होता है। नीचे वाला 2 पहले से ही ऊपर वाला 2 बनाना, तो ऊपर वाला 1 है, 1 को 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर कितना हो गया, 6 हो गया, इधर भी 4 हो गया, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 5 गया 1 यूनिट। तो मतलब सही सेट हो गया कि एक एक यूनिट, मतलब दोनों का अंतर क्या रहा है, सेम आ रहा है। अगर दोनों का अंतर सेम आ रहा है तो एक यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों की शेविंग को। और मैंने बता दिया तरीका कब लगता है, जब दोनों के, मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि ये इन दोनों की शेविंग इक्वल है, तो शेविंग इक्वल है तो ये मतलब ए वाला गैप इक्वल होना चाहिए। तो अभी ये वाला गैप इक्वल हो गया, ये वाला गैप इक्वल हो गया, तो इस गैप की एक यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 1000 रुपीज़ के बराबर। और अगर एक यूनिट की वैल्यू 1000 रुपीज़ के बराबर है, तो बुमराह की इनकम पूछी थी, तो वो कितने यूनिट है, 4 यूनिट, या 4x का है, तो कितने के इक्वल हो जाएगी, 4000 रुपीज़ के बराबर। अब इसमें कुछ भी पूछ ले, या इसका एक्सपेंडिचर पूछ लेता, तो 5 यूनिट किसके बराबर हो जाता, 5000 के। इसका एक्सपेंडिचर 5000 के इसका एक्सपेंडिचर पूछ लेता, ये अश्विन है, ये बुमराह है, तो बुमराह का एक्सपेंडिचर कितना हो जाता, 3000 के। इसकी इनकम कुछ भी पूछा जा सकता था इस सवाल में। तो इस सवाल को करने के 2 तरीके बताए। अब तीसरा तरीका मैं बताता हूँ, वो आपको समझ में आता है कि नहीं पता नहीं, वो थोड़ा और एडवांस तरीका है। अब मैंने क्या लिखा पहले, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये सभी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से जानते हैं, इसको मैंने वही क्रॉस प्रोडक्ट, अब जो एक्चुअल क्रॉस प्रोडक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर समझ में ना आए तो इन 2 मेथड से कर लेना, आ जाए तो और अच्छी बात है, वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन उसको समझ में आने से पहले पिछली क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो अब मैं बात करूँ इसकी, जैसे इनकम का रेशियो क्या दिया है, ये जो मेथड बता रहा हूँ मैं, ये हर सवाल में लगेगा, हर सवाल में लगेगा जो इस टाइप के होंगे, इस टाइप के हर सवाल में ये मेथड लगेगा। जैसे इनकम का रेशियो 3:2 होगा, और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा, 5:3 होगा, ये हो गया रेशियो। अब इसमें से मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाऊंगा तो क्या बचेगा, तो सेविंग बचेगी, इसकी भी सेविंग 1000 रुपी, इसकी भी सेविंग 1000 रुपी। अभी सवाल में दोनों जगह 1000 1000 दिए, कुछ और दिया रहता, यहाँ पर 1000 यहाँ पर 2000, तो भी ये सवाल हो जाता। जैसे मैं सोच लेता हूँ एक वैल्यू, चलो अभी इसी पे कर लेते हैं। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो, इनकम और एक्सपेंडिचर ये आ गया, अब ये क्या है, सेविंग है, सेविंग। अगर ये सेविंग है तो मैं एक तरीका तो क्या था, 3x वाला, भाई क्रॉस प्रोडक्ट होता तो इसमें क्या करना है, ये 3 3 जा 2 5 जा, कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस लेना, 3 3 या 9 9 और 5 का, 9 और 10 का डिफरेंस 1, तो यानी 1 यूनिट इसमें निकलता। ऊपर वाले का रेशियो है, जो ऊपर वाले रखते हैं उसका यूनिट निकलता है, उसकी वैल्यू निकलती है, उसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू निकलती है, ये बात याद रखना। नीचे वाले की निकालना चाहें तो नहीं निकलेगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, अब इसका इससे और इसका इससे, तो 5000 और 3000, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 5000 में से 3, आपको हमेशा डिफरेंस लेना है, यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लेना है। जैसे 3 और 9 का 3 माइनस 9 करेंगे तो इनका -6 होगा, लेकिन आपको 6 लेना है। वैसे यहाँ पर 5000 -3000 2000, या 9 -10 तो -1 आ रहा है, लेकिन माइनस नहीं लेना, तो आपको प्लस ही लेना। तो +1 यूनिट इज इक्वल टू 5000 -3000 इज इक्वल, तो -5000 -3000 कितना हुआ, 2000, एक यूनिट की वैल्यू 2000 रुपीज़ आ गई। तो मुझे क्या पूछा था, बुमराह की इनकम पूछी थी, वो जो कि क्या थी, 2 यूनिट थी, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4000 रुपीज़ आ जाएगी। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ये सबसे शॉर्ट मेथड है, और इस पर मैं एक सवाल और ले रहा हूँ, फिर इस मेथड को, फिर इस तरह के सवालों से आगे बढ़ेंगे, और 1 2 टाइप के क्वेश्चन और बचते हैं, और फिर आपका रेशियो पे, अब क्वेश्चन तो मिसलिनियस ही क्वेश्चन है, और फिर आपका रेशियो ख़त्म हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, जो ये कॉन्सेप्ट चल रहा था हमारा इस पर,
ये वाली टैब पे द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन इज 5:3 एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 24:23 इफ द सेव्स रुपीज 200 एंड रुपीज 400 रिस्पेक्टिवली देन देयर इनकम इज। अब तो पहले उनकी इनकम पूछिए, तो इनकम को ऊपर लिख लेंगे। मैं पहले क्रॉस प्रोडक्ट से बता रहा हूँ, इसको समझ में आया तो ठीक है, नहीं फिर मैं दूसरे मेथड से तो बताऊँगा। पहले क्रॉस प्रोडक्ट लगा के बता रहा हूँ, या पहले बेसिक मेथड लगा के बता रहा हूँ इसको। बेसिक मेथड क्या होगा कि इनकम का रेशियो क्या दिया है, 2% फर्स्ट है और ये सेकेंड है, 5:3। और अगर 5:3 उनके इनकम का रेशियो दिया है तो यानी 5x एक की इनकम रही होगी, 3x दूसरे की इनकम रही होगी। इतनी बात सबको समझ में आई। अब अगर 5x इनकम रही होगी, इनकम में से सेविंग घटा दूं मैं तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो ये पहले वाले का एक्सपेंडिचर, और दूसरे वाले के एक्सपेंडिचर की अगर बात करूँ तो 400 इज इक्वल टू, और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया, 24/23 दिया है। तो ये अगर 24/23 तो ये कितना हो जाएगा, 115x माइनस 4600 इज इक्वल टू 72x माइनस 9600। अब ये इतना आ गया, अब ये इधर आएगा, इधर आएगा 115/28, तो यानी 43x, 43x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा ये, ये कितना हो रहा है, 5x माइनस 200 इज अपॉन 3x माइनस 400 इज इक्वल टू 3x, सॉरी इसका रेशियो 24:2, इसका रेशियो क्या होगा, 24:13 होगा, गलत हो गया ये, नहीं तो आंसर सही नहीं आएगा, 24:13 होगा इसका रेशियो। और अगर इसका रेशियो 24/13 हो जाएगा तो अभी किसके इक्वल हो जाएगा, 65x माइनस 2600 इज इक्वल टू 72x माइनस 9600। तो अब ये 65 उधर जाएगा तो 72 में से 65 घटेगा तो 7x, और इधर आएगा, इधर आएगा तो ये कितना बचेगा, 70x 70,000 इज इक्वल टू 7x, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। और अगर x की वैल्यू 100 आ जाएगी तो उनकी इनकम क्या रही थी, 5x रही थी, और उनकी एक की इनकम क्या रही थी, 3x रही थी, तो 5 × यानी 5000 हो जाएगी और इसकी इनकम 3000 हो जाएगी। अब ये तो हुआ बेसिक तरीका, अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट बता रहा था, अगर वो आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी बेसिक तरीके से करेंगे। वैसे वो बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन उसको समझने के लिए पहले पिछली वीडियोस का आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अब बात करेंगे इसकी। अब जैसे क्या लिखा है, मुझे क्या निकालना है, इनकम। तो अगर इनकम निकालनी है तो इनकम के रेशियो को हमेशा ऊपर लेना, जो निकालना है ना उसके रेशियो को क्रॉस प्रोडक्ट में ऊपर मानना है। और फिर उसके बाद में ये थी इनकम, ये क्या है, एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर क्या दिया है, 24:13। अब लेकिन इनकम में से मैं एक्सपेंडिचर घटाऊंगा, इनकम में से जब एक्सपेंडिचर घटाऊंगा तो क्या बचेगी, सेविंग। और सेविंग इसकी कितनी है, जिसकी सेविंग है उसी के नीचे लिखनी है। जैसे ये क्या थी, फर्स्ट की थी, सेकंड, तो जो फर्स्ट का भी इनकम और फर्स्ट की एक्सपेंडिचर और फर्स्ट की सेविंग, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है लेकिन ये एग्जैक्ट रुपीज में। फिर उसके बाद ये रुपीज 400, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो उस मेथड से कर लेंगे। लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये चीज़ आपको समझ में आने लगेगी, अगर आपने वीडियो से ढंग से देखी होंगी। तो मैं क्या करूँगा, जब मुझे आंसर ही निकालना है इसका कि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाने पे कितना बचा, सेविंग, सेविंग कितनी है, 200, 400। तो मैं अब क्या करूँगा, ऊपर वाले की वैल्यू निकलेगी, हमेशा याद रखना, ऊपर वाले की मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वैल्यू निकलेगी, नीचे वाले की नहीं निकलेगी। इस मेथड से मैं पहले ही बता देता हूँ, कोई नीचे वाले की वैल्यू निकाल देता वो गलत होगा। अगर एक्सपेंडिचर को निकालना था तो उसको ऊपर लेके और इनकम को नीचे लेके तब करेंगे, तब आंसर सही आएगा। तो ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही हो गया, 5 × 13 माइनस 3 × 72। तो इसको, इसका आपको डिफरेंस लेना है, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं रहेगा, प्लस में ही लेना है इसको डिफरेंस, हमेशा जो डिफरेंस होता है प्लस में ही होता है। तो 65 में 72 गया तो माइनस 7x बचेगा, 7 यूनिट बचेगा, लेकिन माइनस 7 नहीं लेना आपको, 7 ही लेना है, 7 यूनिट या 7x कुछ भी कह सकते थे। 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है,
ये 24 × 4 यानी 9600 माइनस 9600 माइनस 13 × 2 यानी कि 2600, 9600 माइनस 2600 इज इक्वल टू 700, और अगर 7000 सॉरी 7000, और अगर 7000 आ गया तो इससे जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 1000 के इक्वल आ जाएगी, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1000 के इक्वल आ गई तो यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू 5000 के इक्वल आ जाएगी, और 3 यूनिट की वैल्यू 3000 के इक्वल आ जाएगी, और यही क्या हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। अब मैं बताता हूँ ये वाला मेथड अगर आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं आपको बेसिक मेथड से जाना है क्योंकि ये थोड़ी एडवांस चीज़ है और इसमें और भी कुछ है जो मैं अभी आपको नहीं बता रहा क्योंकि आपको वो समझ में नहीं आएगा। ये तो मैंने मेथड बता दिया था, और भी सवाल के मेथड हो सकते हैं लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे। बाद में जब मैं सभी मेथड बता दूंगा, जब आपका और हो जाएगा सिलेबस और जब आप पीछे का ढंग से पढ़ लोगे तो ये देखो बिल्कुल कितनी देर में आंसर आ गया, बिल्कुल 10 सेकंड लगती हैं यहाँ से यहाँ तक करने में। तो ये इसका आंसर हुआ। अब ये वाली टाइप हुई ख़त्म, अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन।